सो हे गेमर्स, आई एम एक्यू द गेम्स पैराडाइज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज से हम एक अमेजिंग सी गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि वॉच डॉग लीजेंड्स की है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक तो जरूर से देखना। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि वॉच डॉग्स के अंदर पूरी की पूरी वर्ल्ड यानी कि फ्यूचरिस्टिक लंदन हैकर से घिरा हुआ है और वो हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। तो हमारे सामने एक ड्रोन है जो ना जाने किसी को ढूंढ रहा है, बट मुझे नहीं पता कि वो किसे ढूंढ रहा है, बट मुझे लगता है कि ये बात हमें बहुत जल्दी पता लगने वाली है। वैसे ये पुल के नीचे क्यों जा रहे हैं? तो अब हमारे सामने एक बोट है और वो ना जाने कहाँ जा रही है। आई थिंक ये हमारा मेन बंदा होने वाला है जिसके साथ मिलकर हमें इस गेम को कम्प्लीट करना है। वैसे मैं एक बात बता दूँ, ये गेम रिसेंटली लॉन्च हुई है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग ग्राफिक्स हैं इस गेम के। योर अल्ट्रा एच डी मतलब के कतई जहर ग्राफिक हो रखे हैं। वैसे ये बंदा किसी को ढूंढ रहा है। ओ भाई साहब, ये ड्रोन तो हमारे ही बंदे को ढूंढ रहा है जहां तक मुझे लगता है। हाँ यार, हमारा बंदा छुपा हुआ भी है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और इस सिक्योरिटी से बच के जाना होगा हमें इस बिल्डिंग के अंदर। आई थिंक ये बंदा बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुका है। एक मिनट, ये तो एक टनल है। ओ भाई साहब, हमें टनल के जरिए उस बिल्डिंग तक जाना होगा। काफी ज्यादा अमेजिंग काम करना है और हमें छुपते छुपाते जाना है। एक मिनट, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, इसे जल्दी से पेल देता हूँ। ये ले भाई साहब, कॉम्बैट का स्टाइल काफी ज्यादा कतई सहर है, बिल्कुल चढ़ गया उस पे। और उस बंदे को हमारे बंदे ने उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहोश ना हो जाए। ओके, तो अब हमें आगे जाना होगा। पता नहीं ये टनल कब जाके खत्म होगा। अरे नहीं, हमारे सामने तो टनल का डेड एंड है। एक मिनट, यहाँ पे रास्ता है, कूद के देखता हूँ यहाँ पे। अब हमें बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सामने एक और टनल है। ओ भाई साहब, टनल के अंदर टनल, और मेरे सामने एक दरवाज़ा है जो लॉक्ड है और उसे खोलने के लिए मुझे कुछ हैकिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कैमरे में हैकिंग करता हूँ। जो सामने मुझे एक कैमरा दिख रहा है उससे हैकिंग करता हूँ। और यहाँ पर एक बंदा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दे देता हूँ इसे। और यहाँ पर एक और बंदा है, इसे भी इलेक्ट्रिक शॉक दे देता हूँ। ये फट गया। ओ भाई साहब, इसे भी लग गया, मुझे लगा था नहीं लगेगा। और यहाँ से मुझे खोलना है तो दरवाज़ा, आई थिंक रास्ता खुल चुका है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ से मुझे हैकिंग करके इस मेन डोर को खोलना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस तरफ हमें अपना कंट्रोलर मिल जाएगा जिससे हम अपने मेन डोर को ओपन कर सकते हैं। चलो हैकिंग करके इसे खोल देते हैं। आई थिंक ओपन हो चुका होगा। ओके, तो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। तो मैं अब इस तरफ छलांग मार के यहाँ से निकल जाता हूँ और अपनी मेन प्लेस पर जाता हूँ। ओके, तो सामने आई थिंक डोर ओपन हो चुका है। हाँ, ये देखो यार, डोर ओपन हो चुका है। तो अब जल्दी से आते हैं। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आगे मेरा वेट कर रही है। यहाँ पे एक और डोर है, इसे खोल देता हूँ। खुल जा भाई। एक मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ वाला डोर है, इसे लात मार के तोड़ना पड़ेगा। ये ले, निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक सीढ़ी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। और फाइनली हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हमें जल्दी से आना है और उस प्लेस को ढूंढना है जहाँ पे एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है जिससे पूरी सिटी को खतरा है। तो जल्दी से देखते हैं कहाँ पे हमें टाइम बॉम्ब मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो मुझे लगता है सामने की तरफ हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं सामने की तरफ जाके। वैसे बाहर से रोशनी तो आ रही है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे कौन सी मुसीबत हमारा इंतज़ार करिए। ये आई थिंक यही है वो टाइम बॉम्ब। जल्दी से इसे ओपन करता हूँ और देखते हैं कि कैसे हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ओ भाई साहब, ये तो रिमोट है। इस रिमोट के जरिए पूरी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे बॉम्ब हैं जो कनेक्टेड हैं इस रिमोट से। और अगर मैंने इस रिमोट को बंद कर दिया तो पूरी बिल्डिंग फटने से बच जाएगी और हमारी सिटी लंदन बिल्कुल सेफ रहेगी। बट अगर मेरी एक भी गलती हुई ना तो काफ़ी सारे लोग इसमें फंस सकते हैं। तो मैंने चिप तो निकाल लिया है। अब आई थिंक काम मेरा पूरा हो चुका है। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये क्या, बॉम्ब डिफ्यूज होने की जगह और ज़्यादा तेज़ी से अपने काउंटडाउन की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। ये बंदी मेरी हेल्प कर रही है, तो देखता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो यारों, इस बंदी ने अभी अभी मुझे बताया कि कोई बंदा है जो यहाँ पर आ रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो काफ़ी सारे गुंडे आ चुके हैं। एक मुसीबत कम थी जो और गुंडे आ गए। भाई साहब, मुझे एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है और अब इनसे भी लड़ना पड़ेगा। मैंने फेस तो छुपा लिया है ताकि ये लोग मुझे देख ना पाएं। अब जल्दी से इन्हें नॉकआउट कर देता हूँ।
आजा सामने आजा, मैं कौन सी गन निकालूं? ये वाली गन सही है मशीन गन, तो अब जल्दी से बाहर निकल, मैं तेरे को अभी शूट करता हूँ। ये खा और निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया है। आई थिंक अब यहाँ पे बंदे नहीं आ रहे, यहाँ पे एक और बंदा है। निकल यहाँ से, इस तरफ है, इस तरफ एक और बंदा। यार कितने बंदे हैं भाई साहब, यहाँ पे दो और बंदे आने लगे हैं। पता नहीं कितने बंदे यहाँ पे आ रहे हैं। ओबे भाई 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 भाई, 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 भाई। मुझे बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, बट मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। ओके, तो आई थिंक सारे बंदे नॉक हो चुके हैं। अब कोई भी बंदा मुझे उस तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैंने शायद से सारे बंदों को मार दिया है। अब देखते हैं। ओके, तो उस बंदी ने डिफ्यूज कर दिया है। जब तक मैं फाइट कर रहा था, मैंने उसे कंट्रोल दे दिया था इस कंप्यूटर का, ताकि वो डिफ्यूज कर दे इस बॉम्ब को। और अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे एक प्लग निकालना है मुझे, जल्दी से निकाल लेता हूँ। वैसे मुझे केयरफुली निकालना पड़ेगा, अगर मैंने कोई भी गलती की ना तो ये बॉम्ब फट जाएगा। बस फटना नहीं, मैं इसे निकालने वाला हूँ। और ये बस फटना नहीं, बस गलत वायर ना हो। ये हम निकाल दिया। ओके, तो बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, हमारी एक सक्सेस है, ये जीत गए हम। और हमारी इस जीत का क्रेडिट इस बंदी को जाता है, क्योंकि इस बंदी ने वहां बैठे बैठे डिफ्यूज किया बॉम्ब को, जब तक हम फाइट ले रहे थे उन टेररिस्ट से। और अभी हमारा बंदा काफी ज्यादा खुश है। एक ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये कंप्यूटर फिर से एक्टिवेट हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा अब हमें क्या करना है। और इस बंदी पे भी हमला हो चुका है। ओ भाई साहब, तो जब मैंने इस बंदी को कंट्रोल दिया बॉम्ब के रिमोट का, उस वक्त इस बंदी की लोकेशन टेररिस्ट के पास पहुंच गई और उन टेररिस्ट ने इस बंदी पे हमला कर दिया। बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात हो गई है। वैसे ये बॉम्ब तो डिफ्यूज हो चुका है, बट हमारी जो सिटी है ना, उसके अंदर और भी काफी सारे बॉम्ब थे, वो एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट हैकर है वो पूरी कंट्री यानी कि लंदन के अंदर अपने नाम की दहशत फैलाना चाहता है। और यहाँ पे सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं, तो अब मुझे आईडी कार्ड को स्कैन करके कुछ भी करके हैक करना पड़ेगा। एक मिनट, आई थिंक हैक हो चुका है। अब मेरे पास आईडी कार्ड की कॉपी आ चुकी है, तो अब मैं किसी भी दरवाजे को आराम से ओपन कर सकता हूँ। अरे वाह, यहाँ पे तो टेररिस्ट की पूरी टोली है, इन सबको मारने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट सबसे पहले मुझे उन बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, इस वजह से जल्दी से इन्हें मार देता हूँ बॉम्ब फेंक के। ये ले, निकल यहाँ से। आई थिंक सब मर चुके हैं, कोई बंदा मुझे लग तो नहीं रहा बाकी होगा, बट यहाँ पे एक लाल बंदा है। एक मिनट, इसे नॉक कर देता हूँ। अभी भी जिंदा है भाई साहब, ये कितनी हेल्थ लेके बैठा है। इससे मैंने काफी सारी गोलियां मारी है। मुंडी दिखा, ओए मुंडी दिखा, ओ भाई साहब भाग दो और मत बचा। ये लो, इसे भी नॉक कर दिया है। अब हमारे सामने कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। अब जल्दी से आते हैं और इस दरवाजे को ओपन कर देते हैं उस आईडी कार्ड की मदद से। ये आईडी कार्ड स्वाइप कर लिया और हम बाहर आ चुके हैं। अब मुझे जल्दी से छत पे जाना होगा, क्योंकि छत पे एक सैटेलाइट है जिससे इन सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया जा सकता है। और वहां पे एक रिमोट भी है, देख सकते हो, ये रही वो सैटेलाइट और ये रहा वो रिमोट, जिनसे मैं पूरी सिटी के बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर सकता हूँ। तो अब जल्दी से मुझे इन्हें डिफ्यूज करना पड़ेगा इससे पहले कि कोई और टेररिस्ट आए। और देखो, एक मिनट बाकी है, एक मिनट भी नहीं, सिर्फ 40 सेकंड बाकी हैं। मुझे इस 40 सेकंड में कुछ भी करके इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना होगा, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद मैंने इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, यानी कि टाइमर रुक चुका है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है, पिछले वाले बॉम्ब की तरह ये वाला बॉम्ब भी ऑटोमेटिकली रन होने स्टार्ट हो चुका है और मैं इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये कौन आ गया? एक मिनट, ये बंदा तो कह रहा है कि ये पहले से ही जानता था कि मैं बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दूंगा। ओ भाई साहब, मेरे पीछे कौन आ गया? कहीं टेररिस्ट ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया इन ड्रोन्स के जरिए? एक मिनट, यहाँ पे तो एक प्रोजेक्शन आ रही है। ये तो वही बंदा है जो उस बॉम्ब के रिमोट के अंदर आ रहा था। आई थिंक मुझे इसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगा, इसके पास दो तो ड्रोन्स हैं और ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स फटने वाले हैं। तो हमारे बंदे ने इस प्रोजेक्शन से पूछा कि इतने सारे मासूमों की जान लेके इसे क्या मिलेगा। तो इस बंदे ने कहा कि ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए पूरे लंदन में इतने सारे बॉम्ब्स फाड़ रहा है। अरे भाई, ये पागल तो नहीं है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे बंदों की जान लेने वाला है। और अब ये मौत का नंगा नाच अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है और इस दंगे दाज में तुम भी मारे जाओगे। ओ भाई साहब, बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हो चुके हैं। चार, एक बॉम्ब, दूसरा बॉम्ब फट गया। भाई साहब, लंदन की तो आज खैर नहीं है भाई साहब। और अब ये बंदा कह रहा है कि आज वाला दिन पूरे लंदन को हमेशा याद रहेगा। एक मिनट, इसने तो हमें भी मार दिया। सही खेल गए भाई लोग, वॉइस टॉक लीजेंस की स्टार्टिंग ही ऐसी थी, तो सोचो कि एंडिंग कैसी होगी। मतलब के कतई जहर गेम बना दिया है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि न्यूज चैनल में बताया जा रहा है कि उन बॉम्ब ब्लास्ट से काफी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुई है लंदन सिटी में और लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं और काफी सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है
और वो उस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और बहुत ज्यादा ही उदास हो चुके हैं। बट आप लोगों को तो पता ही है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है और वो सुबह आ चुकी है जिसमें हमें कोरी की मदद से कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमारी मदद कर सकते हैं उस सीक्रेट हैकर को पकड़ने में। तो आप जल्दी से आते हैं और यहाँ से डिटेल्स निकाल लेते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो सीक्रेट एजेंट जो बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा था और उसकी टीम पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है उन टेररिस्ट की वजह से। बट आप लोगों को ये बात नहीं पता कि उन्होंने एक ड्रोन बनाया था और वो ड्रोन वो उसी वक्त यूज करने वाले थे जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती या फिर उनपे काफी ज्यादा बड़ी वाली मुसीबत आ जाती। और अभी ऐसा ही कुछ हो चुका है, यानी कि उनकी टीम खत्म हो चुकी है। अब दुनिया को जरूरत है कुछ नए हैकर्स की जो अपनी मेहनत के बलबूते पे उस सीक्रेट हैकर को हराएं और इस दुनिया में फिर से अमन लाएं। तो अब हमें वैसे ही कुछ लोगों को ढूंढना होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड तो थे पर थोड़ा बहुत लाइक वो बैकअप के तौर पर रखे गए थे और अब उनको बुलाने का वक्त आ चुका है। ओके, तो अब इस लास्ट वाले को भी जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं और फिर हर उस बंदे को जो उस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड था उससे सिग्नल पहुंच जाएगा और वो उसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मरे थे। तो अब देखते हैं हमें कौन कौन सा कॉन्टेक्ट मिला है। देख सकते हो कॉन्टेक्ट सबका ढूंढने लग गया है हमारी पूरी सिटी के अंदर कि कहां कहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं जो उस पागल हैकर को हराने में हमारी मदद करेंगे। तो अब देख लेते हैं, काफी सारे कॉन्टेक्ट आ चुके हैं बट वो सब डिले हो गए और यहाँ पे हमें कुछ आइडिया मिल चुकी हैं। देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, ये एक, ये छजुंदर नहीं चाहिए, ये भी छजुंदर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमें अपना बंदा सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा बंदा हम यूज करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा बेकार से लोग हैं बट मुझे ये गंजा अच्छा लग रहा है तो इसे मैं एज अ मेन कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ बिकॉज बाकी लोग तो कुछ अच्छे नहीं लग रहे, ये बंदा सही लग रहा है। ओ भाई साहब, ड्रोन आ रहे हैं। भाई साहब अभी भी काफी ज्यादा पुलिस ढूंढ रही है हैकर्स को कि किस हैकर ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, इस वजह से हमें भी छुप छुप कर जाना पड़ेगा वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को उठा लूँ और उस प्लेस पे जाऊँ जहाँ पे उन सारे हैकर्स को बुलाया गया है उस ड्रोन के मदद से। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस गेम के अंदर ऑटो ड्राइविंग सिस्टम भी है जो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करता है बट आपकी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती, वो नॉर्मल स्पीड पे चलती है आपकी गाड़ी। इस वजह से मुझे ऑटो ड्राइविंग फीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओके, तो अब हम उस प्लेस तक पहुंच चुके हैं। आई थिंक ये एक शॉप है तो जल्दी से मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ यहाँ पे और इसे बंद किया और जल्दी से आते हैं इस शॉप के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ हमें बुलाया गया है। वैसे ये शॉप बंद है क्या, एक मिनट अंदर जाके देखता हूँ। हाँ यार, ये एक मिनट, ये तो बाहर जैसा कुछ लगा है। और ये दो छछंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओए नशे नहीं कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ वरना पीट दूंगा। एक मिनट, यहाँ पे एक लाल डॉट आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे ही जाना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे हमें सेटिंग करनी पड़ेगी तभी दरवाज़ा खुलेगा क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉप सिक्योरिटी की भी है कि खाली हैकर्स ही आ सकें इस एरिया में। अगर कोई और आएगा बंदा तो इस इधर एंटर ही नहीं कर सकता दूसरा कोई बंदा, इस वजह से हमें थोड़ी और सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से ये मोड़ दिया, ओके तो आई थिंक बस यहाँ पे थोड़ा सा और मोड़ना पड़ेगा। अरे भाई हट जाना यहाँ से। ओके, दरवाज़ा खुल गया फाइनली, काफ़ी मेहनत लग गई इस दरवाजे को खोलने में बट हमने आराम से खोल दिया। वैसे यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे तो सामने दीवार है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ है? ओ भाई साहब, यहाँ पे तो सीक्रेट डोर था जिसके अंदर एक सीक्रेट टनल है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टनल है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग की हुई है और ये एक सिस्टम लगा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइटिंग ऑन कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। आई थिंक मैं पहला हैकर हूँ जो यहाँ पे पहुँचा हूँ तो जल्दी से लाइटिंग ऑन कर देते हैं और ये काम भी हमारा कंप्यूटर करता है। अब ये पीसी हमसे आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है तो जल्दी से इसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हम भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ही बंदे हैं। तो आइडेंटिफाई करवाने के बाद मुझे कंप्यूटर ने बताया है कि यहाँ पे एक फ्लॉपी डिस्क है और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसकी मदद से मैं पूरी मालूमात हासिल कर सकूंगा कि पिछले लोगों के साथ हुआ क्या और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि एक रिकॉर्डिंग मैंने सुन ली है, अब मुझे जल्दी से ऊपर की तरफ इस तरफ भी जाना है। यहाँ पे भी एक रिकॉर्डिंग है आई थिंक सो, जो कि मेरे लिए संभाल के रखी गई है। तो आप जल्दी से इस रिकॉर्डिंग को भी सुन लेते हैं। तो इस वॉइस नोट को सुनने के बाद मुझे काफी सारी मालूमात हासिल हो चुकी है इस एरिया के बारे में। अब यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर एक और वॉइस नोट है तो जल्दी से आते हैं और उसे भी सुन लेते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है।
ओके ये भी समझ गया, अब आगे शायद से कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो मेरे सामने एक बॉक्स है जिसे ओपन करने के बाद मुझे एक मास्क मिला है। तो सबसे पहले तो हमें सीक्रेट बेस के सर्वर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे काम कर पाएंगे, वरना तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हैकिंग भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो फाइनली हमने सर्वर्स को एक्टिवेट कर दिया है, अब जल्दी से नीचे जाते हैं और वहां पे एक स्पेशल कंप्यूटर है जिसे मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो नहीं है वो कंप्यूटर, एक मिनट, मुझे दिख गया वो रहा सामने कंप्यूटर। वैसे ये जो कंप्यूटर है वो AI बेस्ड है, इस कंप्यूटर का खुद का एक माइंड है जिसकी मदद से हम उस पागल हैकर तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इस कंप्यूटर से। तो यार ये कंप्यूटर बता रहा है कि इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ था, बट यहाँ पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हमसे मदद मांगी जा रही है और बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें ये मैसेज मिला है यानी कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है और अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है कि तुम हमारी मदद करो और इस दुनिया को बचाओ। तो हम ऑब्वियसली यस करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने के लिए, बिकॉज इन लोगों ने अपनी वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया। तो हम भी कोई आम बंदे नहीं है, हम भी अपनी दुनिया से प्यार करते हैं और इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ गैजेट्स हैं जो मुझे बताए गए हैं, तो यहाँ से हमें बाय भी कर सकते हैं कुछ गैजेट्स को जिनकी मदद से हम हैकिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, वैसे मैं सबसे पहले तो स्पाइडर बाय करने वाला हूँ क्योंकि ये स्पाइडर काफी ज्यादा यूजफुल है। तो अब जल्दी से मैं इस स्पाइडर को इक्विप भी कर लेता हूँ क्योंकि ये स्पाइडर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम इस स्पाइडर की वजह से ही इस बेस तक पहुंच सके और हमें पता चला इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इसकी मदद करने के हमने फैसला किया। वैसे यहाँ पे एक और कंप्यूटर है जिसे मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। ओके, तो यहाँ से हम अपने कपड़े भी खरीद सकते हैं, तो मुझे ये वाले कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आ चुका है यहाँ पे। वैसे मेरे हिसाब से अभी तक कोई बंदा यहाँ तक पहुंचा नहीं है और अब मुझे जल्दी से जाना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जल्दी से भागते हैं और उस तरफ जाते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू लगे हुए, पता नहीं क्यों। तो अब यहाँ पे बॉक्सिंग मैच होने वाला है जिसमें हमारी काबिलियत जानी जाएगी, यानी कि हमारे देखा जाएगा, परखा जाएगा कि हम कितने ज्यादा अचड़ हैं। तो अब जल्दी से मैं इसे हराने वाला हूँ। आजा आजा आज, ये ले, ओ भाई साहब धक्का भी देती है ये तो, ये ले, ये खा निकल यहाँ से, ये मारा मुक्का तेज, आजा आजा आजा, ये ले निकल। ओके, तो अब मुझे धोबी पछाड़ देनी है शायद से इसे, ये ले निकल यहाँ से। ओके ओके, काफी ज्यादा डैमेज कर दिया इस बंदी ने, बच गया बच गया, ये ले निकल यहाँ से, ओ भाई साहब बच गया, ये ले एक और लात खा। वैसे मेरे हिसाब से इस गेम के अंदर फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा इस गेम का फाइटिंग स्टाइल। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे ना तो मैं इस बंदी को जल्दी से जल्दी हरा पाऊंगा। क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा क्या? आप लोग एक बार लाइक करके तो देखो। ये ले निकल यहाँ से, आई थिंक इसे मैंने हरा दिया है। ओ भाई साहब ये बंदी तो बिल्कुल ढेर हो गई, और बड़े प्यार और मोहब्बत से हम इस बॉक्सिंग मैच को जीत चुके हैं। चल हाथ दे, और मैं इस बंदी को उठाऊंगा क्योंकि ये भी हमारी टीम की मेंबर है एक तरीके से। तो अब जल्दी से बाहर जाते हैं। वैसे मुझे इन स्टैचूज का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये स्टैचूज यहाँ पे क्यों रखे गए। वैसे यहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं, भाई साहब इसका ड्रेस तो देखो कैसा तगड़ा है यार, और यहाँ पे काफी सारे हैकर्स आ चुके हैं, यानी कि हमारी पूरी कम्युनिटी आ चुकी है। और इन हैकर्स की मदद से मैं इस दुनिया को बचाऊंगा उन संकी टेररिस्ट हैकर्स से जो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। वैसे ये जो बंदी है ना काफी ज्यादा कूल दिख रही है जो बात कर रही है फोन पे। मैं इसको एज अ प्लेबल कैरेक्टर खेल सकता हूँ कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट जहां तक मुझे पता है इसमें काफी सारे लोग हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि GTA 5 में 3 लोगों को एज अ प्लेबल कैरेक्टर खेल सकते थे, बट इस गेम के अंदर हम 5 से 6 लोगों को एज अ प्लेबल कैरेक्टर खेल सकते हैं, जो कि इस गेम की काफी ज्यादा अच्छी बात है यार। तो अब जल्दी से बाहर निकलते हैं बिकॉज हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और देखो यार क्या ही गजब मौसम हो रखा है, और ग्राफिक्स तो बिल्कुल अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल है यार, मजा ही आ गया देख के यार, सिटी का व्यू भी अमेजिंग है। तो यारो आज के लिए बस इतना ही, अगर इस गेम के ग्राफिक्स आपको अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल लगे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है, और बेल आइकन को कर दो प्रेस ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली देखने को मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए ऐसी वीडियोस बनाने का।
और अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चल जाए द गेम्स पैराडाइज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। मिलता हूं एक नए और एक अमेजिंग वीडियो में।